नाउ क्वेश्चन कम्स, हाउ पाइथन वर्क्स। पाइथन किस तरीके से काम करता है, इसे अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस तरीके से वर्क करती हैं। ज्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप लिखते हैं नॉर्मल कोड, कोड लिखने के बाद आप इसे कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद ये मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, यानी एक फाइल जनरेट करता है जो मशीन डिपेंडेंट होती है। आप इस मशीन डिपेंडेंट कोड को रन करते हैं और फिर ये आपको आउटपुट प्रोड्यूस करके देता है, राइट। लेकिन इस तरीके से जो कोड जनरेट होता है ये मशीन डिपेंडेंट होता है, क्योंकि जो कंपाइल होने के बाद कोड जनरेट हुआ वो मशीन डिपेंडेंट कोड होता है, राइट। लेकिन कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इससे एक स्टेप आगे गई, उन्होंने मशीन इंडिपेंडेंट कोड जनरेट करना स्टार्ट किया, जैसे कि जावा। जावा के अंदर क्या होता है, जावा के अंदर भी आप कोड लिखते हैं, आप उसे कंपाइल करते हैं, और कंपाइल करने के बाद ये मशीन इंडिपेंडेंट कोड देता है जिसे हम कहते हैं बाइट कोड या डॉट क्लास फाइल। ये बाइट कोड क्या होता है, आप इसे किसी भी मशीन के जेवीएम पर, जो जेवीएम होगा वो हर एक मशीन का अलग अलग होगा, जैसे लिनक्स के लिए अलग होगा, विंडो के लिए अलग होगा, तो ये जो बाइट कोड है आपने चाहे इसे कंपाइल करने के बाद विंडो मशीन पर जनरेट किया इस बाइट कोड को, लेकिन इस बाइट कोड को किसी भी मशीन का जेवीएम उसे इंटरप्रेट कर सकता है और आपको आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है, राइट। तो इस तरीके से कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट कोड भी जनरेट करके देते हैं आफ्टर कंपाइलेशन। इज इट क्लियर। अब पाइथन कैसे वर्क करता है, पाइथन क्या करता है, पाइथन में आप कोड लिखते हैं और डायरेक्ट ये उस कोड को इंटरप्रेट कर देता है और आपको आउटपुट प्रोड्यूस करके दे देता है। तो यहां पर कंपाइलर नहीं होता, आपका कोड डायरेक्टली मेमोरी में लोड होता है और सीधा एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। अगर कोई एरर होती है तो वो उसी वक्त पता लगती है।